सो ये है ब्राजील और ये है ब्राजीलियन प्लेयर्स, परंतु इनके हेडशॉट्स भाई साहब खराब हो जाएगा, मैं बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। Just a simple question, brother. Like, what's the reason behind such as bad headshots? What? I mean, why does your gun never recoil? Why? What? Recoil? Yeah, recoil. Gun recoil. What's bro? What is the recoil? लो बोलो, इनको पता ही नहीं recoil किसे कहते हैं। ओ भाई, मारो मुझे। क्या लगता है भाई लोग, क्या हो सकता है? हमको नहीं पता। क्या सही में इनके सर्वर में रिक्वेल है ही नहीं? नहीं, या फिर ये लोग भाई कुछ जुगाड़ लगा रहा है जो 90% प्लेयर को लगता है? अच्छा, या फिर इसके पीछे का रीजन कुछ और ही है क्या? जो शायद अभी तक तुम लोगों को पता ही नहीं। आज आप एक्सप्लेन करते हैं आज के इस वीडियो में। देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नहीं, ध्यान से नहीं, कान से सुनो। अबे साले, देखो भाई लोग, मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार हिलाना कम करना पड़ेगा, जिससे तुम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, अपने रिकॉइल को कंट्रोल कर पाओगे। नोटिस करना, जब भी तुम लोग थोड़ा कम हिलाते हो अपने कैरेक्टर को, साले तू मतलब एकदम जानवरों की तरह मूवमेंट ना करके थोड़ा आराम से खेलते हो और सिर्फ अपोनेंट को मारने पर फोकस करते हो, तब देखना हेडशॉट भी ज्यादा कनेक्ट होता है, अर्थात एक्यूरेसी बढ़ जाती है, अस कंपेयर जब तुम मूवमेंट करके खेलते हो। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ओवरऑल कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है, अगर तुम अपने गेम प्ले में एक्यूरेसी चाहते हो तो मूवमेंट को बाय बोल दो। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब कुछ बंदे बोलेंगे ना, ब्राजीलियन प्लेयर तो ऐसा ना है, उनमें एक्यूरेसी भी है और मूवमेंट भी है, कैसे? प्लीज आस्क योरसेल्फ बिकॉज यू गाइस आर इंजीनियर, यू कैन अंडरस्टैंड। सो देखो, इस चीज को प्राप्त करना भी बहुत आसान है, तुम लोग आसानी से कर सकते हो। अच्छा, मैंने भी कर रखा है, मैं भी पहले नूब हुआ करता था, बट अभी मैं एकदम राक्षस बन चुका हूँ। सो यस, तुम लोग भी कर सकते हो, बस इसके लिए टिप्स नंबर 2 पर ध्यान दो। सो टिप्स नंबर 2 है, ध्यान मत दो ऐसे लगातार फायर पर, देखना तुम्हारा एम बड़ा हो जाता है और फिर बुलेट रिकॉइल करने लगता है। सो हेड कैसे लगेगा? हाँ, ब्राजीलियन प्लेयर नहीं बनना क्या? नहीं। सो देखो, इस रिकॉइल वाली समस्या को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बस इस टिप्स को फॉलो करके। आप दोना। टिप्स का नाम है प्यार से फायर। क्या बात है? तुम लोग किसी भी अच्छे प्लेयर का गेम प्ले नोटिस करना, देखना दो गोली फायर करेगा और फिर छोड़ देगा फायर करना और फिर फायर करेगा, गजब आदमी है यार, और ऐसा करके ही एनिमी को खत्म करेगा। तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। अब तुम बताओ, एक बार फायर करके छोड़ देता है क्या गांव में कोई खुजली होती है? जा पूछ क्या। नहीं भाई नहीं, ये रिकॉइल कंट्रोल का एक ट्रिक है। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में समझो, एकदम एक ही बारी में तोड़ फायर नहीं करना है, मतलब थोड़ा प्यार से फायर करो, एक बार फायर करो, हेडशॉट कनेक्ट अगर ना हो तो रुक के और एक बार फायर करो, ऐसा करके तुम लोग ओनली रेड मार सकते हो। मजा आया। या फिर ऐसा कुछ नहीं करना तो मारो पेलो स्पैम एकदम छे गोली, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सो नेक्स्ट टिप्स है कमजोर दिल, मतलब दिल जिनका कमजोर है ना भाई, जो सामने वाले से डरता है, लिख के ले लो भाई, एक्यूरेसी बढ़ना तो दूर की बात है, जो है वो भी चले जाएगा। सो नेक्स्ट टिप्स है जॉयस्टिक फायर। क्या बात है। इस टेक्निक को ब्राजीलियन प्लेयर बहुत ज्यादा यूज करता है और इससे एक्यूरेसी भी बहुत हद तक बढ़ती है। मैंने तो एक डिटेल वीडियो ही बना रखा है इसके ऊपर। सही बात है, बट फिर भी जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सिंपल सा कुछ नहीं करना, जब भी किसी को वन टैप से चिपकाना है, वन टैप मारने से जस्ट पहले या फिर मारते हुए जॉयस्टिक यूज क्या करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर गेम प्ले देख ही सकते हो कैसे मैं फायर करने से जस्ट पहले जॉयस्टिक यूज करता हूँ। खत्म गया। ओके, अब नेक्स्ट टिप है ड्रैग स्पीड। परिस्थिति के अकॉर्डिंग ड्रैग स्पीड भी बदलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमी अगर निकट हो और ऐसे में तुम लोग स्लोली ड्रैग करते हो, तब ओनली बॉडी शॉट मिलने वाला है। जी बिल्कुल, ओनली बॉडी शॉट ही मिलेगा। क्या बात है? सो यस, जब एनिमी सामने हो फास्टली ड्रैग क्या करो, और इसके ही विपरीत अगर एनिमी बहुत दूर हो तो थोड़ा आराम से ड्रैग क्या करो। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। ओके, नेक्स्ट टिप्स तुम्हारे भाई की तरफ से एक सजेशन है। अगर तुम लोग मुझे नोटिस करते हो तो देखना, कभी मैं जंप हेडशॉट मारता हूँ, कभी मैं क्राउच हेडशॉट मारता हूँ, वहीं पर कभी मैं जॉयस्टिक पकड़ के मारता हूँ, कभी मैं ड्रैग मारता हूँ, वहीं पर कभी। हाँ, सो ओवरऑल कहने का मतलब यह है, तुम लोगों को परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपना वन टैप स्टाइल भी चूज करना है, तभी जाकर तुम लोग ओनली रेड नंबर प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम लोग जॉयस्टिक पकड़ के मारो, और ऐसा भी नहीं है हमेशा तुम लोग मूवमेंट करके मारो, ठीक है? अर्थात सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम लोगों को अपना गेम प्ले भी चेंज करना है, गेम प्ले स्टाइल भी चेंज करना है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ओवरऑल अगर इसके ऊपर तुम लोग डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि कौन सी कंडीशन में कौन सा वन टैप टेक्निक चूज करें, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, बस कमेंट में बता देना। तो चलो भाई लोग, आज के लिए
इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी भाई लोग अगर चैनल पे नया आया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही ओपी कंटेंट आता रहता है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई लोग अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।